फिर दिनों बाद दर्शन करवाते हैं बबलू के, ये आ गया बबलू। बस आ रही है, चल ना चल। क्या चेक करे, ताज अभी बैंगम बना रहा है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। तो मेरे ख्याल से बारिश आ रही है जी, सर्दियों की पहली बारिश बनी हुई है, क्या पता होती है कि नहीं। पैर तो बिल्कुल फुल जो है ना बादल छाए हुए हैं। और जो भी रूटीन हुई आज आपके साथ शेयर करेंगे, एंड तक देखनी है वीडियो। जो नया सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि जो भी नई वीडियो लगे आप तक पहुंच सके। और पिछला व्लॉग देखा होगा आपने, वो बकरवाली जो है ना डॉग मैंने दोबारा से दिखाया है आपको, जो पिछली मरतबा मैं लेके आया था बकरवाल आए थे। इस मरतबा फिर आ चुके हैं बकरवाल, अभी इंशाल्लाह एक दो दिन में चक्कर लगाऊंगा। आज ये था मेरा इरादा, लेकिन बारिश बनी हुई है, क्या पता शुरू ही हो जाए तो नहीं जा सकूँगा, क्योंकि काफ़ी जो है ना दूर है इधर पहाड़ी से पीछे, तकरीबन एक घंटे का सफ़र है पैदल। तो कल अगर धूप हुई तो कल जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, क्या पता, कोई खास पता नहीं। जब भी चक्कर लगा व्लॉग आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो बाकी आए फिर आज की रूटीन शुरू करते हैं। बारिश का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि खुश्की बहुत हो गई है, धूल मिट्टी। और एक दरख्त भी इधर बाहर सूख गया है जो मैंने लिया था बकरियों के लिए। कबूतर मेरे पक्के तार पर, ओए सामने लश्कारे हैं जी। तो मामलात ऐसे हैं कि अगर बिजली हमने देखना हो ना है कि नहीं, तो दिन रात यहाँ सामने बल्ब बल रहा होता है। और कल नहीं बल्कि एक दो दिन पहले इधर बारात आई थी एक, मैंने वो एक क्लिप बनाया, बड़ा प्यारा लग रहा था मुझे, तो मैंने कहा चले व्लॉग के साथ अटैच कर दूंगा, पहले आप वो देख लें फिर बाकी गपशप करते हैं। इस घर में गई थी बारात, ये सामने वाले घर, ये वैसे ऐसा ना सीसीटीवी कैमरा फिट हो जाती है। क्लिप आपने देख लिया होगा दोस्तों, तो इस तरह की होती हैं शादियां इधर। बाकी मज़ीद इंशाल्लाह कोई हुई इधर आसपास शादी, तो मैं इंशाल्लाह पूरा व्लॉग आपके साथ शेयर करूंगा। चेक करें दरख्त, बारिश ना होने की वजह से सूख गया है, बिल्कुल पत्ते पीले पड़ गए हैं। अभी ये काट के फटाफट डाल दूँ बकरियों को, इससे पहले के पत्ते सारे गिर जाएँ। और ये देखें उसके साथ के कितने ग्रीन हैं, ये चेक करें। अगर बारिश ना हुई तो इनकी भी हालत यही वाली हो जाएगी। बारिश तकरीबन किसी हद तक आने वाली है, सूरज वो सामने देखें बादलों के पीछे छुप गया है। और इधर हमने तैयारी शुरू कर दी है जानवरों को सेपरेट करने के लिए। रात को ठंड होती है, हवाएं ठंडी अंदर जाती हैं, तो ये तरपाल बना के आगे लगाएंगे ताकि जानवरों को रात को ठंड ना लगे। और रात को नीचे, दिन को ऊपर, अंदर वाली साइड पर भी लगाते हैं और बाहर वाली साइड पर भी। और दिन को ऊपर करते हैं, धूप छूप लगती है, हवा लगती है, तो अंदर जो है ना सफाई हो जाती है। और रात को नीचे हो जाता है। एक तो ये मुर्गा नहीं जान छोड़ता, रोज़ाना आ जाता है, इसको तब तक हम नहीं निकाल सकते जब तक हम अपना मुर्गा ले के नहीं आते। अपना मुर्गा आएगा और इसको जब लगाएगा तो ये फिर वापस नहीं आएगा, क्योंकि मुर्गियाँ मेरी बेचारी सारी अभी वो क्या कहते हैं सिंगल हैं, तो ये आ जाता है। कसम साईं सिरे थे ना ओढ़ना कहीं जी उन्हें। एक ये वाला तैयार हो रहा है, ये बाहर वाली साइड पे लगेगा और दूसरा अंदर वाली साइड पे, तो फिर हमारी बकरियां सर्दी से महफूज हो जाएंगी और रात उनकी अच्छी गुजर जाएगी। काफ़ी दिनों से बबलू की भी अपडेट कोई नहीं थी, अभी आता है वापस तो मैं दिखाता हूँ किस कंडीशन में है, या याशियाँ मारे फुल मौज में है। इधर चल रही है पबजी और नाजम साहब भी इधर प्रो प्लेयर हैं। नाजम साहब कितने पहुँचे हो? हमको से तरनावे निकल आयो। आजम की बोलती बंद हो गई है, बोल नहीं रहा, बस फट गई। नहीं समझ रहे हो, मेरी आ गई वापस बबलू, काफी दिनों बाद दर्शन करवाते हैं बबलू के, ये आ गया बबलू। बबलू छोड़ दे, छोड़ दे बबलू, खा पी के आया पेट शेट फुल करके। ये अभी साफ होगा इंशाल्लाह सर्दियों के बाद ही। शहजादा है, गंदा मंदा सा हुआ, लेकिन चलें अच्छा है, नज़र भी नहीं लगेगी दूसरा अगर ज़्यादा साफ कर दिया तो। वो एक भाई ने कमेंट भी किया था कि ये आप सर्दी की वजह से डर से नहीं नहला रहे,
तो ये जो है ना गंदगी की वजह से बीमार हो जाएगा, अल्लाह ना करे। कोई नहीं, गंदा मंदा ठीक है। बबलू पहले की बनिस्बत बड़ा हुआ है कि नहीं ये बताना है आपने कमेंट में। मुझे थोड़ा सा पहले से बड़ा लग रहा है, जब मैं लेके आया था छोटा सा था। ये चेक करें अभी बिल्कुल लगा के पर्दे छड़े, इनका माहौल फिट कर दीजिए। अभी अंधेरा भी पड़ गया है, नमक शमक रखा हुआ है बकरियों के आगे, जब दिल करे चाटती रहती हैं। ये पहले बरामदा था और अभी कमरा बन गया है, एक गेट रह गया इसका दरवाज़ा, बाकी बंद कर दिया है। अभी हो गया टी टाइम विद पापड़, पी रहे हैं और मुझे आवाज़ आ रही है, मेरे ख्याल से चूज़े आ गए हैं गेट के आगे, चूँ 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 चूँ। ये चेक करें, वही बात हुई, आ जाओ वही। दो चार छः आठ दस, दस पूरे हैं, दो माओ के बच्चे लाडले। और कबूतरों को भी पता चल गया है कि इनको कुछ डालने वाले हैं, हमें भी मिलेगा, वो भी आके बैठ गए इधर। आ जाओ आ जाओ, डालता हूँ मैं इनको बाहर, बड़े मोटे मोटे हुए, थोड़े बारीक कर लूँ, थोड़े बारीक हो गए हैं, थोड़े कबूतरों को डालूंगा, बाकी इनको बीच में चोकर मिक्स करके। सबसे बेस्ट खुराक है जी ये जानवरों की भी और मुर्गियों की भी, खाल चोकर और रोटियाँ भिगो के डालो, चूजे भी। हल्का सा पानी लगाया और खुराक हो गई इनकी तैयार। रंग बिरंगे पापड़ वे जाए और उधर मुर्गे अपनी जैशी मार रहे हैं। बारिश आए सबसे पहला ख्याल गांव में यही होता है कि लकड़ियां सेव कर लें अंदर, मोटी लकड़ियां अभी अंदर रखनी है क्योंकि बारिश में वैसे भी आग की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और मोटी लकड़ ना हो तो काम नहीं देती। तू तो दवाइयाँ देवा तू मरना रहे। बाकी आसपास के इलाकों में तो बारिश तकरीबन हुई है, हरीपुर से अकील भाई की कॉल आई थी, वो भी बता रहे थे कि बारिश हुई है, लेकिन इधर हमारे साइड पे कोई नहीं हुई। मैं बताता हूँ आपको, एक वो जो बैंगम था मुर्गा जो कुत्तों ने खा लिया है, उसका बच्चा बिल्कुल सेम जो है ना वो बाप भी गया है, एक वो ही नर है, बाकी तकरीबन मादे हैं सारी। और मुर्गियाँ काटती हैं बड़ा साफ, वो पीछे चला गया। ये है जी बच्चा, ये चेक करें, ताज अभी बैंगम बना रहा है और बाकी भी नदियाँ उसी की तरह बादामी नोक, और ये बच्चा है बैंगम, बाकी सारी मादा हैं। इस पे मुझे शक है, ये आपने बताना है कमेंट में, नर होगा कि मादी होगी। ये वाली, ये भी मेल ही नज़र आता है मुझे, बाकी तकरीबन सारी फीमेल कंफर्म है, इसका डाउट है। ये चेक करें गंजा, आमले का मुरब्बा जिसने भी खाना है तो आएँ, मोस्ट वेलकम। मैंने बनाया है, कल बनाया था कि परसों, तो वो क्लिप्स मैंने बना लिए थे लेकिन वीडियो नहीं आपके साथ शेयर की मेरे ख्याल से। तो ये चेक करें, बड़ा ज़बरदस्त बना है। और ये जो ऊपर वाला इलाका है ना हमारे से, ऊपर पहाड़ जो हैं उस साइड भी होते हैं आमले, उधर से मंगवाए थे तो फिर बनाया। ये सीज़न है जैसा कि आमलों का, और ये मंगवाए हैं हमने ऊपर पहाड़ वाली साइड से, हमारे इधर तो नहीं होते, थोड़ा ऊपर जो गाँव है उधर होते हैं। तो अभी आज इनका मुरब्बा बनाएंगे। आमलों में पहले करने इस तरह से सुराख, फिर उसके बाद उबाइल करने हैं, उसके बाद चीनी में इनको पका के हमारा मुरब्बा हो जाना है तैयार। बॉयल करने के लिए रखे थे और ख़ुद चला गया था बाज़ार और वापस आया हूँ, तो अभी ये टाइम हो गया। तो अभी जो है ना इसको चीनी की चाशनी बना के उसके अंदर डाले हैं, तो तकरीबन 10-15 मिनट में खाने के काबिल हो जाएंगे। जिसने खाने हैं आ जाएं। आरस से मोबाइल मैंने छीन लिया है, आज दिन तक पबजी सिर्फ नाम ही सुना है, मैंने खेली नहीं है, तो आज खेलते हैं, देखते हैं कैसा रह जाता है मेरा एक्सपीरियंस। किथों मारा
स्टार्ट नहीं थे, फ्यूचर पे आना है। गिव जो ऐसे लिखी है फ्रॉम इवेंट स्टार्ट। सबर 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 कुछ आना भाई, सबर सबर है मोटरसाइकिल आ गई। क्यों ना दो ना आज गए, आज गए पबजी वाले खत्म। किधर है गोलियां दो लोडिंग 2022 11:05 खेलने पे यूटीसी गोली एक होगी अगनास की वो फिर त्रै होगी नहीं होना ये सिग्नल ला साबे इस तक की सर्वे तक करी है तो दसी है कितनी एमएस आ रही है। चल ना चल ये बंदूक खाली करके सिक्योरिटी गार्ड बैठे हैं। हाल जोल के करना है क्यों नहीं चलनी वैसे लो है ना इसने पंचिंग मंड आसी तेज से फिर तो कोई फ्लू 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 लगी हुई है वो कैसे खेलने हैं और तक ही ना है करी शोर लगी। चल लोगों में गला भी करी ਲੋਕਾਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋਕ ਡਰ ਅਸਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਸੀ ਆ ਇਥੋਂ ਇਥੋਂ ਫੇਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਥੇ 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 ਤੇਰਾ ਬੈਣੀ ਬੈਣੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਲ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਪੇ ਜੱਫੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਇਹਦਾ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਅਜੇ ਲੂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਲੂ ਹੁਣ ਇਥੇ ਇਹ ਇਹ ਇਥੋਂ ਛਾਲ ਬੰਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਤੋਂ ਛਾਲ ਉਸ ਛਾਲ ਜੰਮ ਮਾਰੀ ਤਲੇ ਵਜਰੇ ਸੀ ਕਿਥੋਂ ਜੰਮ ਮਾਰਸਾ ਕੱਲਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਆ ਮਾਰ ਕਿਥੇ ਹਾਂ ਇਥੋਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰ ਬੰਦੇ ਮੂੰ ਥੈ ਸਿਰੇ ਪਾਰ ਖਣ ਸਲਾ ਬਸ ਛੋੜ 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 ਬੈਣੀ ਬੈਣੀ ਸਿੱਧਾ ਪਾੜੀ ਕਰਦਾ ਕਾਣਾ ਵਿੱਚ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਟੰਗਾ ਗਈ ਸਬਰ 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 ਟੰਗਾ ਗਈ ਸਾਹ ਬੰਦ ਨਾ ਸੀ ਤਲੇ ਤਲੇ ਹਾਂ ਸਿਰੇ ਪਾ ਇਹ ਸਿਰ ਵਿੰਗ ਜੀ ਬਟੇ ਲੱਗੇ ਮਾਰ ਵਿੰਗ ਜੀ ਜਾਈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾਰ ਸੁਣ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੀ ਅੱਲਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਦੀ ਪੈ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਟਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਲੇ ਨਹੀਂ ਡਾਕ ਉਹ ਛਤਰੀ ਖੋਲ ਗਈ ਉਹ ਕਲੋ ਰੱਖੀ ਨੇ ਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਨਾ ਇੱਕੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਛਤਰੀ ਵੀ ਖੋਲ ਗਈ ਆ ਇਹ ਖਾਨਪੁਰ ਡੈਮ ਦੇ ਨਾਣਿਆਂ ਦੇ ਜੁਲਾ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਨਪੁਰ ਡੈਮ ਤੇ ਭੇਜੇ ਯੂਨਿਟ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਆਏ ਦੂਜ ਵੀ ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਪਿੰਨਸ ਨਾ ਮੈਨੇ ਨਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਪੀਡ ਲਾਈਸ ਅਗੇ ਕੋਈ ਉਲਟਾ ਆ ਗਈ ਗੱਡੀ ਇਹ ਵਟਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਸੀ ਇਥੇ 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 ਛਾਲ ਮਾਰਸਾਂ ਇਹ 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 ਤੇ ਪੂਰਾ ਡਾਕੂ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਟੱਪ ਗਿਆ ਕਰੇ ਜਵਾਰ ਨਾ ਕਰੇ ਤੋਂ ਬਣਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਥੇ ਯਾਰ ਇਥੇ 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 ਸੁੰਦਰ ਵੜਸੀ ਹੈ ਆ ਵਾ ਦੋ ਲਿਓ ਤੋ ਉਸੇ ਤਾਰ ਆ ਤੋ ਟੁੱਟ ਗਈ मारसी छाल थे अगे करा चोर अंदर पैसे 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 चाह ना गो ना बंदूक जाकर पैसा गोली मारन लगी गला में करनी है तू गला करना चाहो चाहो आया सारा जो वो पार्टी दस हूँ के और भी अंदर रसीद आ गया बाहर आ जाओ चलो कि तू बाहर गड़ा था तू बाहर सामने सीधा अनुसास और किसे कर रहे चल इधर कार नहीं इधर इधर ये बटे है बटे इधर कार नहीं है पीछे संज्ञा ए पबजी गेम नहीं खेलनी चाहिए नहीं ए सारा चोर डाकू वाला काम है जिसने कार पर चोरियां करो नसीबी जो चलो परां खड़ खराब कर रहे यूट्यूबर हैं ये देखें जी लोगों के घर में जाकर चोरियां करके गेम बनाई हुई है हाय हाय अस्तगफार कुड़िया कपड़े भी नहीं पूरे लगे ये तो समान वाले पास बंदूक ओ हो हो अच्छा करो बैल तो नहीं जहर आनी और मार चक्कर हाय हाय ला जी गोली पास ना ठस किसा मारा बूटा वा ठस 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 ए के अखियां उड़ के नसीबे नहीं के डैम ही खानपुर डैम वे छाल मारती थे ए जल 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 ए ली तो ओ ओ तरनिया मारो ये तो बहु हाय 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 वो विच हो गई है वो देख तारी मारती है दूसरा चुंगी भी हाय 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 तेरे नाने तला तंग डूंगी चुंगी प्रोसेस ओ डोब वैसी जगह सी जस कौन दफा कर हाय हाय ए गंदी गेम है यार परे खड़ो सो नंगिया कुड़िया तक नहीं तो
दोस्तों ये था आज का व्लॉग और फर्स्ट टाइम खेलिए पबजी, वो भी इससे मोबाइल लेके। किधर है ये प्रो प्लेयर? और अभी फीस जमा करवा के आया है, पता नहीं 18,000 के 1800, और दोबारा से पबजी शुरू कर दिए, फिर फेल हुआ, इसको अभी ने घर से निकाल देना है। और मगरब होने वाली है तो व्लॉग से मारते हैं छुट्टी, इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात करेंगे। दुआओं में रखना है अपने भाई को याद। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगेबान।